ഓട്ടോഗ്രാഫി ഓട്ടോഗ്രാഫ് वेल के हो गए हैं, सेलिब्रिटी हो गए हम, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ वीडियो बनाते हैं हम। क्या अभी 12 के नहीं हुए मेरे? सॉरी भाई, सॉरी यार, सॉरी। मैं सुबह सुबह स्नान जाने वाला था, तभी मेरे पास रात को हमारे गौरव भाई की मेल है कि गौरव जोन ट्राई टू टेक डाउन योर वीडियो। मार्क कब रे भैया पे सुनने का देगा मार्क इस वीडियो में, पर तभी निकल लौड़े। मैंने सोचा था अगर गोबर के ऊपर ही वीडियो बनानी है तो फिर वीडियो से पहले नहा के क्या करूंगा, वीडियो के बाद नहाना जरूरी है ना। तो भाई कल मैं अपने यूट्यूब पे अपने कमेंट्स पढ़ रहा था अपनी वीडियोस के, तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट कर रखा था गौरव जोन ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने तेरी वीडियो मेंशन करी है। तो भाई मैंने देखा ऐसी कौन सी वीडियो बना जिसमें उसने मेरी वीडियो मेंशन करी है। तो उसकी लेटेस्ट वीडियो आ रखी थी कोई न्यूज बॉय वाली, जो कि थोड़ी डिफरेंट थी और न्यूज बॉय के बारे में बात कर रहा था, बट उसने अपनी वीडियो के एक पार्ट पे मेरे को मेंशन किया। कुछ दिन पहले मैं YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था, तो जब मैंने अपनी सुपर बाइक ली थी उसी के 4-5 दिन बाद एक यूट्यूबर ने वीडियो डाली जिसमें मेरी थंबनेल की क्रैश की फोटो डाल दी। भाई सबसे पहली बात तो भाई थंबनेल की बात तो भाई तू मत ही कर, थंबनेल की बात भी वो कर रहा जो बंदा खुद एक क्लिकबेट किंग के नाम से जाना जाता है यूट्यूब पे। भाई अगर किसी और को तेरी सच्चाई बतानी है थोड़ा बहुत उस बंदे ने क्लिकबेट कर भी लिया तो उसमें कुछ गलत नहीं है भाई, अगर तेरे लिए कर लिया मेरे ख्याल से तो वो भी बहुत कम था। और भाई कह रहे हैं मैंने इसको रोस्ट करा, भाई ये कौन सी रोस्टिंग होती है, तुम मेरी बाइक तोड़ के थंबनेल पे लगा रहे हो गौरव जोन बाइक एक्सीडेंट और उसके अंदर तुम बकवास कर रहे हो, ये रोस्टिंग हुई यार? तो भाई उसे बकवास नहीं बोलते, उसे रोस्टिंग ही बोलते हैं। मैं स्ट्राइक नहीं मानता, मारता क्योंकि मैं छोड़ो क्या बच्चे हैं, क्या स्ट्राइक मारो, इनको अकल आ जाएगी, एक दो वीडियो व्यूज आ जाएंगे, चलो कोई ना इनके मोनेटाइजेशन खुल जाएगी। चल नहीं 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 भाई इतना सीधा मत बन के दिखा, तू भाई इतना सीधा मत बन मेरे सामने, तो खासकर मत बन क्योंकि चूतिया समझता है क्या तुम्हें, तू रोस्टर्स की मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए रोस्ट वीडियो बनवाता है कि कुछ नहीं होता, चल कोई नहीं मोनेटाइजेशन ऑन रहेगी। भाई हमें पता है कि तेरा चैनल किन किन चीजों से उठा है, किन कॉन्ट्रोवर्सीज से उठा है, किन रोस्ट से उठा, बल्कि तेरे को उन रोस्टर को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने तेरे ऊपर वीडियो बनाई है, तेरा चैनल आज इस लेवल पे सिर्फ रोस्टिंग की वजह से, और तू इसीलिए तू स्ट्राइक नहीं मारता है किसी भी क्योंकि तेरे चैनल को इस रोस्टिंग से बहुत फेम मिली है मेरे भाई, बहुत फेम मिली है, तो हमें पागल मत समझ। तेरे को जब लगने लगे कि तेरे चैनल को रोस्टिंग की कोई जरूरत नहीं, तेरे चैनल में इतने सारे चूतिए पहले भर चुके हैं कि तेरे को आराम से व्यूज आ जाएंगे, तो सोच रहा है कि अब सब पे मैं स्ट्राइक मारूं, सबके चैनल डिलीट करूं। आप पे स्ट्राइक आएगी तो बहुत से बंदे पता ही क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके दिखाएंगे, देखो गौरव जोन ने मारी मेरे चैनल पे स्ट्राइक व्यूज के लिए, ये मैं पहली बोल रहा हूँ, ये होगा, डेफिनेटली होगा। होगा ना भाई, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा भाई, जब तूने ये बच्चोदी कर कैसे दी, तूने मेरे साथ, जरूर होगा ये। तो भाई मेल कुछ इस प्रकार है, कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट रिसीव फॉर योर यूट्यूब वीडियो। भाई ये सुन के तो ना मतलब मेरी बहन की भाई होगी थी, मतलब मैं कह रहा कि माँ का चुदिया क्या हो गया। Hello, we received the copyright infringement notification below regarding your video. We believe your content is protected by fair use, fair dealing or similar exception to copyright protection. We are writing to let you know that we do not plan to remove your video at this time. इसका मतलब समझे भाई तुम? समझे इसका मतलब? कि मेरी जो वीडियो थी वो फेयर यूज के अंदर लाइक कर रही थी मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरा मुंबई कर, मुंबई कर, तेरा भाई तेरा मुंबई कर, मुंबई। ये तभी बोलता यार पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है, व्लॉगिंग मत करा करो बिना पढ़े लिखे। और यूट्यूब की फेयर यूज पॉलिसी की पता सबसे अच्छी बात क्या है, पता सबसे अच्छी बात क्या है कि वो तुम्हें भाई उस बंदे का रिस्पॉन्स भी दिखाएगा जिस बंदे ने तुम्हें कॉपीराइट करने की कोशिश करी है। रूल्स आर सिमिलर कंट्री एज इट हैज ब्रॉट टू माय नोटिस दैट अ सिमिलर व्लॉग कंटेंट क्रिएटर आल्सो गॉट द सिमिलर कंटेंट रिमूव्ड। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या भाई, क्या कहना चाहता भाई, मेरी बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है ये तो बता दो उन्हें, चुती है ये। The person here is using my content to defame and hamper my brand value. ओ भाई अथू, इस बात पर मैं अथू करना चाहूंगा, ब्रांड वैल्यू। His personal derogatory words are too personal and insulted. His 50% work on his channel is used in terms of hate speech against me and I feel like being lynched by him. जिसको lynched का मतलब नहीं पता मैं तुम्हें बता रहा हूँ, lynched का मतलब होता है कि मैं किसी इस बंदे से छेड़छाड़ कर रहा हूँ, मैं इस बंदे को harass करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाई harassment की बातें देख तो लो, बंदे कर कौन रहे ये तो देखो पहले तुम। भाई ऐसे content है ना उसकी, वो हर vlog में अपनी बीवी डिफेम कर रहा हूँ मैं भाई को यार।
मेरे भाई अभी तो मेरे जो तुम रोज देखे ना, मैं तेरे को गाली तो बकता ही नहीं। पहली बात तो जो तू हेट स्पीच और डेफेमेशन की बात कर रहा है ना, अगर जो गाली वगैरह जो आती है वो सिर्फ मीम्स के थ्रू आती है, तो मैं तो तेरे को डायरेक्ट गाली बकता ही नहीं। और मैं तेरे को एक फ्रैंक होकर एक बात बताता हूँ कि मेरी वीडियोस कई बार मेरे घर वाले भी देख लेते हैं, और मेरे आसपास का जो थोड़ा एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं। तो भाई मैं तेरे धागे खोल दूँ, तेरे जितने भी दोस्त है ना सबके धागे खोल दूंगा रोस्ट कर करके, अगर मैं अपनी पे आ गया ना भाई। इसीलिए बोलूँगा अपना काम कर, और चूतिया किसी और को बना, चूतिया किसी और को समझ। और हाँ भाई, अभी तो तेरी पहली चूतिया बनती थी, मुझे पता था इतना चूतिया है, तेरे कुछ पता तो है नहीं। तेरे साथ जो टीम के मेंबर है वो भी बिल्कुल घोड़े दिमाग के हैं, उनमें भी कोई अकल है नहीं कि भाई किसको कॉपी स्ट्राइक लग सकती है, किसको नहीं लग सकती, किसकी वीडियो फेयर यूज के अंडर है, किसकी नहीं है। अगर मेरे पास एक और ऐसी मेल आई ना फालतू की, तो भाई आगे जो वीडियो आएगी ना उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ भाई, तेरे को मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। खैर तेरी भलाई के लिए ही बोलूंगा कि भाई बार बार मत करियो मेरे चैनल पर, कि मेरी सारी वीडियोस फेयर यूज के अंडर ही आती है। अगर तू बार बार मेरी वीडियोस को टेक डाउन करने की कोशिश करेगा तो भाई तेरा चैनल टर्मिनेट हो सकता है, तो तेरी भलाई के लिए बताऊंगा कि भाई मत करियो ये चीज। अब भाई हम चूतिए नहीं बैठे, इतनी मेहनत से रोस्ट वीडियो बना रहे, तेरे ऊपर रिसर्च कर करके तेरी वीडियोस देखनी पड़ती है हमें 10-10, 20-20, और तू सोच रहा है कि बस तू एक बार में टेक डाउन करके निकल लेगा यहाँ से। भाई ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि हम चूतिए नहीं है, मैंने माथे पे चूतिया नहीं लिखा, तेरे पे जरूर लिखा है। बाकी एट लास्ट भाई मैं तेरे से इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे तेरे से कोई पर्सनल ग्रजेज नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ तो अपना काम करता रहे। नहीं बात वीडियो की, तो भाई वीडियो तो कोई नहीं हटने वाली, ठीक है, बाकी तू कोशिश करना चाहे तो कर सकता है बार बार। और ये जरूर है कि मेरी एक वीडियो का थंबनेल थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, वो जरूर मैं चेंज करूंगा, शायद से आज या कल मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास उसकी फाइल नहीं मिलती, बट मैं चेंज जरूर कर दूंगा। तो अगर तू वीडियो की सोच के बैठा कि कोई वीडियो हटने वाली, तो भाई आज जुड़वाओ और घर जाओ। भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो यार, तुम इतने अच्छे बंदे फिर भी तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार, गंदे बच्चे हो क्या भाई तुम? सब्सक्राइब कर देना, नई वीडियो जल्दी। गाना छोड़ तुझ पे 8 बार जी बहुत है, दिल्ली का पोल्यूशन हम सीधे देते मौत है, मलीर को लम दिया तो सभी ड्रग लॉर्ड है, सुल्तान ऑन द बीट जैसे सर्जिकल वॉर्ड है, करती बीट आते थॉट्स बनते गाने।